तो भगवान किसी ननंद को ना दे। अच्छा, तो आपके जैसे ननंद भी भगवान किसी भाभी को ना दे। और मेरा क्या होगा, मुझे तो दोनों ऐसी मिली हैं, बहन भी ऐसी, बीवी भी ऐसी। मैंने इतने पाप तो नहीं किए थे कि पाप की फल की जगह फलों का पूरा गुच्छा मिल गया। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, एक दिन के लिए आती हैं तो यही अकड़ दिखाने लगती हैं। अरे तो थोड़ा सह लो, मुझसे 1 साल की बड़ी है, शादी भी नहीं कर रही है, तो ननंद की जगह इसे अपना जेठ समझ लो। भाई आप भाभी की साइड ले रहे हो ना? देख, तू 30 दिन में 1 दिन के लिए आती है, मैं 1 दिन के लिए अपने 29 दिन थोड़ी खराब करूंगा। बात ये नहीं है कि किसका साथ दो, बात ये है कि कौन सही है और कौन गलत। देखो, सही गलत का निर्णय तुम दोनों आपस में निकाल लो, मुझे जज मत बनाओ। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद मर्द अपनी बीवी का गुलाम हो जाता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तू भी अपने लिए एक गुलाम ढूंढ ले, फिर वो भी तेरी साइड लेगा। मुझे नहीं करनी है शादी और कभी नहीं करूंगी। और बता। मत कर, मेरा क्या जाता है, हमारा ही दहेज बचेगा। तुम पराठे खाओगे? अरे बहुत दिन से आलू के पराठे नहीं खाए थे, बनाए हैं क्या? मैंने बोला आलू के पराठे, नहीं ना? तो क्या सिंपल पराठे हैं? फिर नहीं खाना मुझे? देखा, वो भी नहीं खाएगा। अब बोलो। मैं कहां से आ गया बीच में? आखिर बहन की साइड ले ही ली ना तुमने। कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था तुम दोनों की बहस पराठे के ऊपर चल रही है। अच्छा और क्या, मैं तो ऑटो में तुम्हारी साइड से स्वीटी की साइड में चला गया। शाम को ये भी ऑटो से इंदौर चली जाएंगी, फिर देखते तुम ऑटो से कहाँ जाओगे। देखो, मुझे नहीं है मतलब दोनों की लड़ाई से, सच में। भाभी मेरे भाई को क्या डरा रही हो? वो तुम्हारे भाई बाद में है, पहले मेरे पति हैं, और डरा नहीं रही हूँ। हाँ डरा नहीं रही है, मेरी अर्धांगिनी मुझे चेतावनी दे रही है। तो तुम मत डरो, मैं हूं ना, अगर जरूरत पड़ी तो 1-2 दिन और रुक जाऊंगी। एक ही दिन में तो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, 2 दिन रुकोगी तो परिवार में वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। अरे तो तुम ही बताओ ना, ऐसे सिंपल पराठे अच्छे लगते हैं क्या? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता, बताओ ना, कितनी बार तो बना के खिलाए हैं। मुझे नहीं पता, और मेरा यहाँ हो रही किसी घटना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई संबंध नहीं है। सारे संबंध है, बोल रहे हो या नहीं? बोल तो रहा हूँ, बस जवाब नहीं दूंगा किसी बात का। दोगे, क्योंकि तभी इनके समझ में आएगा कि सिंपल पराठे भी सही लगते हैं। तो नेहा एक काम करो ना, स्वीटी के लिए आलू के पराठे बना दो और बाकी के सिंपल पराठे बना लो। अरे सिंपल पराठे बनाने ही क्यों भाई, किसको अच्छे लगते हैं ये? मुझे अच्छे लगते हैं, मैं तो शादी के पहले सिंपल पराठे चाय के साथ खाती थी। कहीं मेरे भाई को भी यही सब तो नहीं देती ना, पता चले किसी दिन चाय के साथ चावल दे रही हो। मैं चाहे चाय के साथ चावल दूं, चाय के साथ खिचड़ी दूं, आपको क्या? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तुम दोनों को आपस में लड़ना है तो लड़ो, लेकिन मुझे चिड़िया बल्ला की चिड़िया मत बनाओ। एक काम करो फिर, इनकी शादी करवा के पहले इनको इनके ससुराल भेजो। शादी है, कॉलेज का एडमिशन थोड़ी है कि कल एडमिशन कराऊं और परसों से कॉलेज भेज दूं। हाँ पर जो भी हो, इस साल इनकी शादी करवाओ, बहुत हो गया इनका। भाभी उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिस दिन आपको अपने भाई के लिए पसंद किया था। हाँ तो मैंने भी बस इनको देख के हाँ कर दिया था, मुझे आपको भी देखना चाहिए था। ऐसा है कि अब अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, जब से हो गया, कहते हैं कि स्त्रियों का मन कोमल होता है, तुम दोनों को देख के तो लगता है कि तुम दोनों के मन में सीमेंट का मसाला घुसा है। भाई मैं तो चुप ही हूँ, अपनी बीबी को समझाओ कि अपना मुंह बंद रखे। कभी कभी लगता है कि गुटखा औरतों को खाना चाहिए, कम से कम कुछ देर तो मुंह बंद रहेगा, सर चबाने की जगह सुपारी चबाएंगी ज्यादा अच्छा है। मुझे कुछ नहीं पता भाई, सिंपल पराठे मैं नहीं खाऊंगी बस। सिंपल पराठे नहीं खाने, तो आपके लिए डिजाइन वाले पराठे बना के दूंगी। अरे उसके कहने का मतलब है उसे आलू के पराठे खाने हैं नेहा। तुम ही बताओ, मैं आटा लगा चुकी हूँ, आलू वाले नहीं है तो?
देखो घर में ना सब लोगों को मिल के रहना चाहिए, और इधर तुम दोनों हो कि एक दूसरे को मिला मिला के देने की कोशिश में लगे हो। ठीक है फिर मैं बना देती हूँ आलू के पराठे। ये हुई ना बात, ठीक है स्वीटी अब तो खुश हो गई ना तुम? मुझे तो भाभी के मुंह से सॉरी निकलती हुई देखना है बस। अच्छा फिर मुझे भी इनके मुंह से सॉरी निकलती हुई देखना है। विक्रम जी आलू के पराठे खाएंगे, मेरे यहाँ बने थे आज। चलो ठीक है तुम दोनों एक दूसरे के मुंह से सॉरी निकलते हुए देखो, मैं पराठे निगल के आता हूँ। आपकी जैसी भाभी